आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज कुछ खास खबरें। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रहे सारे दावे खोखले साबित। एक महीने में दरिंदगी की कई घटनाएं। सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में तेलंगाना टॉप 3 राज्यों में शामिल। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रहे सुरक्षा दावों के बीच महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और दरिंदगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक महीने के भीतर ही महिलाओं के साथ हो रही अत्याचारों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इसमें गैंगरेप जैसे अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। साथ ही सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में तेलंगाना देश के टॉप 3 में शामिल है। जेल में बंद गैंगस्टर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पूर्व अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजिठिया को दे डाली धमकी। पंजाब की जेलों में बंद खूंखार गैंगस्टर पुलिस और जेल प्रशासन की मदद से अंदर रहकर भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जेल में बंद नामी गैंगस्टर ने अकाली दल सरकार में मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता जग्गू भगवान पुरिया विक्रम सिंह मजिठिया को अपने फेसबुक अकाउंट से धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए उसके कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाते हुए दावा किया कि जग्गू को जेल में मिल रही है VIP सहूलियतें। उनके अनुसार जेल में बंद गैंगस्टर बाहर हो रहे हैं, जुर्मों को जेल में बैठकर ही अंजाम दे रहे हैं। मजिठिया की माने तो यह सब जेल मंत्री के संरक्षण के बगैर यह संभव नहीं है। पूर्व मंत्री ने जेल में बंद कैदियों तक मोबाइल फोन पहुंचाने पर सवाल किए हैं और सरकार से इसकी जांच कराए जाने की मांग भी की है। करोड़पति कारोबारी की पत्नी का कत्ल, राज खुला तो उड़ गए होश। लव मैरिज और एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद साहिल नैंसी पर किसी और से संबंध होने का शक करता था और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। लेकिन लव मैरिज के महज 8 महीने बाद हुई कत्ल की ये वारदात जितनी डरावनी और अफसोसजनक थी, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही भयानक थी। पत्नी को पानीपत घुमाने ले जाकर साहिल ने अपने असली रंग को दिखाया। वहाँ अपने साथी शुभम के साथ मिलकर साहिल ने अपनी बीवी नैंसी के सिर में गोली मार दी और लाश पानीपत रिफाइनरी के पास सुनसान जगह पर फेंक दी। इस कत्ल में शुभम साहिल के अलावा एक और लड़का शामिल था जिसने कत्ल में मदद की थी। कातिलों ने उसकी लाश जलाने की भी कोशिश की ताकि उसकी पहचान ना हो सके। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।